फिल्म की कहानी आर्कटिक में शुरू होती है, जहां कई बर्फीले जानवर रहते हैं। वहां एक भालू है जिसका नाम है नॉर्म, जो इस जगह का राजा बनना चाहता है, लेकिन उसे शिकार करना अच्छे से नहीं आता। आखिर वह राजा कैसे बनेगा? वह एक सील का पीछा कर रहा था ताकि उसे शिकार बना सके, और सभी लोग शर्त लगा रहे थे कि क्या नॉर्म आज उसे पकड़ पाएगा या नहीं। लंबे समय तक पीछा करने और बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार नॉर्म उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसे खाने से पहले नॉर्म को उस पर दया आ जाती है। जो लोग यहाँ शिकार करने आए थे वे नॉर्म से कहते हैं, जल्दी खा लो, लेकिन फिर भी नॉर्म सील को नहीं खाता। यहाँ हमें एक अद्भुत बात का पता चलता है कि नॉर्म ना सिर्फ इंसानों की बातें समझ सकता है, बल्कि वो इंसानों की तरह बोल भी सकता है। शायद यही वजह थी कि वो बाकी भालुओं से थोड़ा अलग दिखता था और उसका व्यवहार भी इंसानों जैसा था। नॉर्म को यह बात बहुत पसंद नहीं आती थी। वो हमेशा अपने दादा से पूछता था, मैं बाकी सबकी तरह क्यों नहीं हूँ? इसका जवाब उसके दादा देते थे, क्योंकि तुम खास हो, तुम सबसे अलग हो, और इसी अलग होने की वजह से तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि तुम बाकी भालुओं को इंसानों से बचाओ। नॉर्म अपने दादा से बहुत प्यार करता था, लेकिन कई साल पहले उसके दादा अचानक गायब हो गए। आज तक कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गए। खैर, अब जैसे ही नॉर्म अपने ख्यालों से बाहर आता है, उसका भाई भी वहां आ चुका होता है। हम देखते हैं कि यहाँ के सभी जानवर मिलकर यहाँ आने वाले लोगों का मनोरंजन करते हैं, और फिर ये लोग उन्हें बहुत सारी मछलियाँ खाने के लिए देते हैं। लेकिन नॉर्म को यह काम बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर शायद वो मजबूर था, इसलिए वह भी यह काम करने लगता है। वह यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए गाने गाता है और साथ ही नाचता भी है, जिसका नाच सबको बहुत पसंद आता है। एक आदमी यहाँ तक कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं बल्कि फिल्मों में होना चाहिए, लेकिन नॉर्म को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब नॉर्म अपने दादा के एक दोस्त से मिलने जाता है जो एक स्नोबर्ड है। उसे बात करते हुए नॉर्म को पता चलता है कि उसके दादा मरे नहीं हैं, बल्कि लापता है। कुछ लोगों का मानना है कि उसके दादा मछली पकड़ने गए थे, लेकिन मुझे लगता है कि इंसानों की एक बड़ी साजिश के कारण उनके जीवन को खतरा था और हमें बचाने के लिए ही वो कहीं गायब हो गए हैं। इस बारे में बात करते हुए वह पक्षी नॉर्म को एक घर दिखाता है जो नॉर्म के दादा की जमीन पर बना था। वह कहता है, आज यहाँ एक घर है और देखते ही देखते यहाँ 100 घर होंगे। इंसान यहाँ आकर बस जाएंगे और हमारा घर खतरे में पड़ जाएगा, तब हम कहाँ जाएंगे? ये सब देखकर नॉर्म को लगता है कि उसके दादा के गायब होने के पीछे इंसानों का हाथ हो सकता है। वह ये सब बताने के लिए इस जगह के राजा के पास जाता है, जो इस समय नॉर्म के पिता हैं। उसके पिता नॉर्म की सारी बातें काट देते हैं और कहते हैं, तुम्हें इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हें उस जगह से दूर रहना चाहिए। वो सिर्फ एक घर है और वो भी इंसानों के रिसर्च के लिए बनाया गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सब सुनकर नॉर्म उदास होकर वहां से चला जाता है, और यहाँ नॉर्म का दोस्त आकर उससे कहता है, मैं जानता हूँ नॉर्म, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, तुम्हें यहाँ की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सिर्फ तुम ही इस आर्कटिक को बचा सकते हो। अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है, तुम्हें लड़ना चाहिए, न सिर्फ अपने लिए बल्कि हमारे लिए भी। अपने दोस्त की बातों से नॉर्म को बहुत प्रेरणा मिलती है, और अब वह फिर से अपने दादा के दोस्त से मिलने जाता है। लेकिन उससे बात करते समय नॉर्म देखता है कि यहाँ बहुत सारे लोग एक विज्ञापन की शूटिंग के लिए आए हैं। ये देखकर नॉर्म को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ हो रही सारी शूटिंग को बर्बाद कर देता है। सभी लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं, सिवाय एक लड़की के जो निर्देशक थी। वह बिना विज्ञापन बनाए यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि यह उसकी बेटी के भविष्य से जुड़ा था। उसके बॉस ने कहा था कि अगर वह विज्ञापन बना लेती है तो उसकी बेटी को एक बड़े स्कूल में दाखिला मिल जाएगा। ये लड़की नॉर्म को देखती है और सोचती है कि उसे विज्ञापन में शूट कर ले, लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे की बर्फ टूट जाती है और वह मर सकती थी। नॉर्म, जो एक अच्छा भालू था, यह सब देखकर परेशान हो जाता है और लड़की को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। ये लड़की अपने कैमरे से इस सब की वीडियो बना रही थी कि कैसे एक भालू यानी नॉर्म ने उसकी जान बचाई। वह जाकर यह वीडियो अपने बॉस को दिखाती है, जिसे आर्कटिक में घर बनाकर बेचने से बहुत सारा पैसा कमाना था। इसी वजह से उसने इस लड़की को विज्ञापन बनाने के लिए आर्कटिक भेजा था, ताकि लोग यह विज्ञापन देखकर उनके घर खरीदें। इस वीडियो को देखकर उसका बॉस बहुत खुश होता है। उसे एक नया आइडिया आता है और वह इस निर्देशक लड़की से कहता है कि
ऐसा एक्टर ढूंढो जो इस ध्रुवीय भालू जैसा दिखता हो ताकि हम उसके जरिए विज्ञापन बना सके। हम देखते हैं कि नॉर्म और उसके सारे दोस्त इस लड़की और उसके बॉस की वीडियो कॉल की सारी बातें सुन रहे होते हैं। नॉर्म के दादा के दोस्त जो एक पक्षी है नॉर्म से कहता है, देखो उन्हें ऐसा एक्टर चाहिए जो तुम्हारे जैसा दिखता हो, क्यों ना तुम खुद ये काम करो, तुम्हें इन लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और साथ ही तुम्हें अपने आर्कटिक को इंसानों से बचाने का मौका भी मिल जाएगा। नॉर्म को अपने दादा की बातें कुछ हद तक समझ आने लगी थी, इसलिए वह गुप्त रूप से इस लड़की वीरा के साथ न्यूयॉर्क आ जाता है। वीरा के बॉस के लोग इस भालू को पकड़ने वाले थे, लेकिन किसी तरह नॉर्म अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। जब वह बाहर आता है तो देखता है कि कई लोग ध्रुवीय भालू जैसे कपड़े पहनकर यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं। नॉर्म भी उनमें शामिल हो जाता है ताकि वह भी एक्टर बनने का इंटरव्यू दे सके। एक आदमी नॉर्म को इंसान समझ रहा था, वह कहता है, तुम्हारा कॉस्ट्यूम बिल्कुल असली भालू जैसा है, मुझे लगता है कि तुम ये ऑडिशन जीत जाओगे, मैं किसी और को एक्टिंग के लिए ढूंढने जा रहा हूँ। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यह निर्देशक लड़की अब सभी भालू शक्ल वाले इंसानों का इंटरव्यू ले रही थी, लेकिन इनमें से कोई भी ठीक से एक्टिंग नहीं कर रहा था। तभी नॉर्म वहां आता है और जोर से दहाड़ता है। उसकी आवाज सुनते ही निर्देशक को समझ आ जाता है कि वही है जो हमारे लिए काम कर सकता है। निर्देशक उसे अपने बॉस के पास ले जाती है। बॉस को भी नॉर्म पसंद आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे यह पता चल गया था कि नॉर्म इंसान नहीं बल्कि असली भालू है, क्योंकि वह असली भालू की तरह महक रहा था। नॉर्म निर्देशक को लंच के लिए एक होटल ले जाता है, जबकि बॉस एक गुप्त जगह पर आता है जहां एक और भालू कैद था। ये भालू कोई और नहीं बल्कि नॉर्म का दादा था और उसे इस बॉस ने अगवा किया था, क्योंकि ये भालू उसे अपने मकसद में सफल नहीं होने दे रहा था, यानी आर्कटिक में घर बनाने के उसके प्लान में। अब यहाँ इस बॉस को लगता है कि नॉर्म ही वो भालू है जिसने अपने साथी को यहाँ बुलाया है ताकि एक बार फिर यह भालू उसके प्लान को नाकाम कर दे। ये सब कहने के बाद बॉस उस भालू से कहता है, तुमने क्या सोचा था, मैं तुम्हारी चाल को नहीं पहचानूंगा, देखना अब मैं उस भालू को कैसे मारता हूँ। अब बॉस एक ऐसी बंदूक लेकर होटल जाता है जिससे वो नॉर्म को बेहोश कर सके। वही नॉर्म पहले से ही बैठा हुआ था। यहाँ के सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन नॉर्म नहीं। नॉर्म अपनी बेवकूफी भरी हरकतें करते हुए सीधे बॉस के पास जाता है और उसके हाथ से बंदूक ले लेता है। फिर नॉर्म उस बंदूक को रसोइये के हाथ में दे देता है। अब जब रसोईया बंदूक चलाता है तो नॉर्म की बजाय खुद बॉस बेहोश हो जाता है। नॉर्म की चालाकी देखकर वहां बैठे सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। वहां बैठे सभी लोग नॉर्म के फैन बन जाते हैं। कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि जो कुछ भी यहाँ हुआ उसे किसी ने रिकॉर्ड किया था। ये लोग नॉर्म की बहादुरी वाली इस लड़ाई को चैनल पर अपलोड कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके चैनल की रेटिंग काफी बढ़ जाती है। अब ये देखकर कि नॉर्म उनका काम आसान बना रहा है, ये बॉस भी नॉर्म से माफी मांगता है कि वह उसे मारने आया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वह नॉर्म को रहने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत घर भी दे देता है। इस घर में आने के बाद नॉर्म को लगता है कि यहाँ उसके जैसा कोई और भालू भी मौजूद है। वह इस बात की जांच करना चाहता था, लेकिन कैसे, इस कमरे में कैमरे लगे हुए थे, उसकी हर एक हरकत पर नजर रखी जा रही थी। तभी उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। वह सबसे पहले इस घर से बाहर जाता है और उस आदमी को ढूंढता है जो भालू बनकर ऑडिशन देने ऑफिस आया था। नॉर्म उससे कहता है, तुम मेरी जगह इस शानदार घर में रह सकते हो, तुम्हें वहां अच्छा खाना मिलेगा और खूब मजा भी आएगा। इस तरह नॉर्म का आधा काम तो आसान हो गया, लेकिन अब भी बहुत काम बाकी था। नॉर्म को यकीन था कि अगर यहाँ कोई भालू है तो वह सिर्फ उसका दादा हो सकता है, और निश्चित रूप से उसे पकड़ने के पीछे बॉस का हाथ होगा। वह बॉस के कमरे में जाता है और अपने दादा से संबंधित चीजों को ढूंढने लगता है, शायद उसे यहाँ से अपने दादा के बारे में कुछ पता चल जाए। इस दौरान एक छोटे भालू साथी द्वारा गलती से एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही नॉर्म को समझ आ जाता है कि उसके दादा को यहाँ कैद किया गया होगा। वह खुद वहां नहीं जाना चाहता था क्योंकि ऐसा करने पर बॉस उसे देख सकता था, इसलिए वह अपने तीन छोटे दोस्तों को अपने दादा के पास भेजता है ताकि वे जाकर उसे आश्वासन दे सकें कि नॉर्म उसे बचाने के लिए आ गया है। लेकिन यहाँ दादा उनसे कहते हैं, नॉर्म से कहना कि वह मुझे नहीं बल्कि अपने घर आर्कटिक को बचाए। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि नॉर्म की तैयारियां हो रही हैं। जिस मकसद के लिए इस कंपनी ने उसे चुना था अब वह उसे पूरा करना था, यानी अब उसे लोगों को यह विश्वास दिलाना था
कि उन्हें इस कंपनी से आर्कटिक में घर खरीदना चाहिए, लेकिन हकीकत तो बिल्कुल इसके विपरीत थी। वह ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था। वह देखता है कि इस विज्ञापन यानी इस कमर्शियल शूटिंग के दौरान निर्देशक की बेटी भी यहाँ आ गई थी। जैसे ही वह उसे देखती है, उसे समझ आ जाता है कि नॉर्म कोई इंसान नहीं बल्कि असली भालू है, और उसका मकसद वह नहीं है जो टीवी पर दिखाया जा रहा है। यानी वह नहीं चाहता कि लोग आर्कटिक में जाकर घर बनाएं। असल में वह चाहता है कि लोग आर्कटिक से दूर रहें, और अगर आए भी केवल वहां घूमने के लिए। ये सब समझने के बाद ये लड़की उसे सलाह देती है, तुम अभी कुछ मत करो, पहले लोगों का दिल जीत लो, और जब हर कोई तुम्हारी बात सुनने लगेगा तब तुम बॉस के पूरे प्लान के बारे में लोगों को बताना। नॉर्म को इस लड़की की योजना बहुत पसंद आई। वह इस योजना के अनुसार चलना चाहता था, लेकिन शायद बॉस उससे भी ज्यादा चालाक था। नॉर्म ने पहले कई लोगों को अपना फैन बनाया, और जब वह लोगों को समझाने वाला था कि उन्हें आर्कटिक में घर नहीं खरीदना चाहिए, यहाँ बॉस नॉर्म की आवाज माइक से बंद कर देता है और एक नकली रिकॉर्डिंग चलाता है जिसमें नॉर्म कह रहा होता है कि लोगों को आर्कटिक में घर खरीदना चाहिए। लेकिन ये सब धोखा था। असलियत ये थी कि इस बॉस को अभी तक आर्कटिक में घर बनाने की अनुमति नहीं मिली थी। वह सब कुछ अवैध रूप से कर रहा था। अब शो के बाद नॉर्म सिर्फ इस बात से दुखी नहीं था कि लोग उनके घरों पर कब्जा करेंगे, बल्कि इस बात से भी दुखी था कि बॉस लोगों को धोखा दे रहा है। उसे दुखी देखकर निर्देशक उसे अपने घर डिनर के लिए आमंत्रित करती है, जहां उसे फिर से निर्देशक की बेटी मिलती है, और वह उसे एक और आइडिया देती है। तुम क्यों नहीं सबके सामने बॉस का राज खोल देते? उन्हें अभी तक आर्कटिक में घर बनाने की अनुमति नहीं मिली है। इस तरह कोई भी निवेशक उन्हें पैसे नहीं देगा और उनका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा। नॉर्म को भी यह आइडिया बहुत पसंद आता है। अब वह अपना सारा काम छोड़कर निवेशकों का पीछा करता है। आखिरकार जब उसे निवेशकों की गाड़ी मिलती है, तो वह गाड़ी के अंदर जाकर सबको बॉस का एक वीडियो दिखाता है, जिसमें बॉस काउंसलर को रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे आर्कटिक में घर बनाने की अनुमति मिल सके। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। निवेशकों को पता चल जाता है कि बॉस उन्हें धोखा दे रहा है, इसलिए निवेशक अब बॉस के साथ काम नहीं करना चाहते। वे बॉस के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप हमें हमारे सारे पैसे वापस कर दीजिए। लेकिन बॉस बहुत चालाक था। उसने एक अजीब कॉन्ट्रैक्ट बना रखा था। इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो पैसे निवेशकों ने बॉस को दिए थे, बॉस उन्हें वापस करने से मना कर देता है। इसके बाद बॉस फोन उठाकर अपने लोगों को आदेश देता है कि आर्कटिक में जो भी घर बने हैं उन्हें ठीक करो, और उस भालू को मार डालो जो कई सालों से उनके साथ फंसा हुआ है। वह नॉर्म के दादा को मारने का आदेश दे रहा था। इससे पहले कि नॉर्म के दादा को कोई नुकसान पहुंचाया जाता, नॉर्म जल्दी से अपने दादा को बॉस की कैद से मुक्त कर देता है। और अब इन दोनों का एक ही मकसद था, अपने घर को बचाना। बॉस, जो हमेशा नॉर्म पर नजर रखता था, अब नॉर्म के हाथों पूरी तरह मूर्ख बन चुका था, क्योंकि नॉर्म ने अपनी जगह किसी और को धोखा देकर रख दिया था। जैसे ही बॉस को इस सच्चाई का पता चलता है, वह नॉर्म और उसके दादा को पकड़ लेता है और उन्हें बेहोश करके एक प्लेन में डाल देता है। वह इन दोनों भालुओं को इसी प्लेन में मारना चाहता था, लेकिन यहाँ नॉर्म के छोटे दोस्त जो उसके साथ आए थे, प्लेन का दरवाजा खोल देते हैं। इस तरह नॉर्म और उसके दादा दोनों प्लेन से गिर जाते हैं। उनकी जान तो बच जाती है, लेकिन अब वे समुद्र में गिर गए थे। कुछ सेकंड बाद हमें पता चलता है कि वे अभी भी जीवित हैं। अब इस समुद्र में वे उन जहाजों को भी देखते हैं जिनमें ये घर आर्कटिक ले जाए जा रहे थे। नॉर्म और उसका दादा दोनों मिलकर योजना बनाते हैं कि इन घरों को जहाजों से अलग कर दिया जाए, ताकि घर समुद्र में नष्ट हो जाए और कोई भी घर आर्कटिक न पहुंच सके। नॉर्म और उसके दादा बहुत मेहनत करते हैं। उनकी योजना भी सफल हो जाती है। वे जहाज से सभी घरों को अलग कर देते हैं, लेकिन इस सब में नॉर्म का दादा कहीं खो जाता है। जब बॉस को पता चलता है कि उसके सारे घर आर्कटिक पहुंचने से पहले समुद्र में डूब गए हैं, तो उसे एक बड़ा झटका लगता है। अब उसे एक और झटका निवेशकों से मिलता है, क्योंकि उसने निवेशकों को धोखा दिया था, इसलिए निवेशकों ने पूरे शहर में उसका राज खोल दिया, और अब उसका अंजाम बुरा होने वाला था। दृश्य कट होता है और हमें नॉर्म फिर से दिखाया जाता है। वह अपने आर्कटिक पहुंच चुका है। नॉर्म और उसके साथी यहां आकर अपने दूसरे साथियों को बताते हैं कि उन्होंने कैसे अपने घर को बचाया और कैसे वे अपने मिशन में सफल हुए। लेकिन दुर्भाग्य से नॉर्म ने इस सब में शायद अपने दादा को खो दिया था।
अभी तक उसके बारे में कोई खबर नहीं थी। आर्कटिक के सभी जानवर आज नॉर्म पर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे, लेकिन आज भी नॉर्म खुश नहीं था। तभी इस सब के दौरान आश्चर्यजनक रूप से उसका दादा वापस आर्कटिक आ जाता है। ये देखकर नॉर्म बहुत खुश हो जाता है। नॉर्म की बहादुरी और बुद्धिमानी की कहानियां उसके दादा सभी को यहाँ सुनाते हैं और वह कहते हैं कि आज मुझे नॉर्म पर बहुत गर्व है, मैं उससे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैंने उसे इस जगह का राजा बना दिया है। यहाँ के सभी जानवर ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ इस फिल्म का सुखद अंत होता है।